पहले बताना चाहूँगा आपको कि 10:42 में हमें स्टेट को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ गोबरीबाग में आग की वारदात हुई है। तो हमने हेडक्वार्टर और गोबरीबाग से फायर टेंडर्स प्रेस किए उनकी सर्विस। जब हम यहाँ पे आए तो हमने फायर फाइटिंग ऑपरेशन लॉन्च किया और हमने देखा कि जो बेसमेंट है जो कि पार्किंग एरियाज के लिए यूज़ होती है तो उसके साथ में जो जहाँ पर जनरेटर्स स्टोर किए गए थे तो उनमें आग लगी हुई थी। तो हमारी कोशिश यही थी क्योंकि स्मोक काफ़ी ज़्यादा था, टॉक्सिक गैसेस थे, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू गो इनसाइड। तो हमने ब्रीदिंग अपरेटर सेट्स का भी यूज़ किया और स्मोक एक्सट्रैक्टर्स भी मंगाए हैं और फ्लेम्स को हमने इमिडिएटली कंटेन किया और रिपोर्टेडली अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सप्लाई फॉर प्रॉपर्टी। मुझे लगता है कि जो हमारा टाइमली एक्शन हुआ उसकी वजह से जो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था लेकिन हमारे स्विफ्ट और प्रॉम्प्ट एक्शन की वजह से नुकसान। क्या फायर अभी जो जनरेटर प्राइमा फेशिया है वो ये है कि जनरेटर की वजह से ही आग लगी है, लेकिन जो अब डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम आपको बता सकते हैं कि एक्चुअल में क्या जो फ्यूल है उसके लीकेज की वजह से आग लगी है या कुछ शॉर्ट सर्किट। सर जो फायर एंड एमरजेंसी के जवान जिन्होंने जान पे खेल कर अंदर जाए गए वो सब ठीक है? बिल्कुल लगा लिया आपने, ठीक है।